गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें बात करेंगे हम लोग व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स के बारे में। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर सभी में देखी गई है, जो चाहे आप मैन हो या वुमेन हो, आजकल ये प्रॉब्लम सभी में होती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, ये जो डर्ट होती है, जो गंदगी होती है, वो आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उसके अंदर ये जाके बिल्कुल जम जाती है, लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ये गंदी तरीके से दिखता है और ये ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। एक तरीके से वो अपने जो पोर्स होते हैं, पोर्स के अंदर वो जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स जो होते हैं वो एक तरीके से अपनी जगह बना लेते हैं, जिसके अंदर आप जो भी डर्ट पॉल्यूशन, आपका जो भी पसीना होता है, वो सब इकट्ठा होकर आपके जो पोर्स होते हैं वो उसके अंदर अच्छे से लॉक हो जाता है और फिर वो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की तरह दिखता है। तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं बात करूँगी नोज़ और चिन की। तो ज़्यादातर देखा होगा आप लोगों ने भी, जो चिन का जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ पे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से नोज़ पर भी व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं। तो मुझे व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि जब मैं खुद ये चीज़ें अप्लाई करती हूँ तो वो सेम चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो आप लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगा, आप उसको जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी कोई भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम से फाइट करती हूँ। ओके, तो इस चीज़ को रिमूव करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेस को क्लीन रखा करें, और अपने फेस को जब आप क्लीन रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जो आते हैं, तो उसको किसी भी तरीके का टूल अगर आप लोग यूज़ करते हैं ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स निकालने के लिए, तो बहुत ज़्यादा उस टूल को आप यूज़ ना करें। एक जो टूल आता है व्हाइट हेड्स निकालने का, तो आप उसको ज़्यादा यूज़ ना करें और बहुत कम आप उसका यूज़ करें। अगर आप उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स को आप निकालेंगे, उतने ज़्यादा आपके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भरते जाएंगे। मैंने पर्सनली ये खुद ऑब्जर्व किया है। पहले मेरे चिन एरिया में इतने ज़्यादा नहीं थे, स्टार्टिंग में जब मैं उस पिन से करने लग गई तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे व्हाइट हेड्स हैं वो धीरे धीरे करके भरते जा रहे हैं। तो आप उस टूल को यूज़ करना बंद कर दें। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा मास्क बताने वाली हूँ, जिससे आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे आपको, ये मंथ में 2 से 3 बार आपको करना है मंथ में। तो आप कोई भी जो DIY अगर होम रेमेडीज होती है वो आपको एक बार में असर नहीं देती है, बट आप जब उसको यूज़ करेंगे तो आपको एक बार में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अपने फेस पे स्टीम लेनी है, क्योंकि और स्टीम क्यों लेनी है यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर बिना स्टीम लिए अगर आप अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई करते हैं तो आपके जो पोर्स हैं जिसके अंदर गंदगी फंसी हुई है वो तो ऑलरेडी लॉक है। अब उसके ऊपर आप कुछ भी लगाओगे तो वो चीज़ बाहर कैसे निकलेगी, वो आपके जो ओपन पोर्स होते हैं वो उसी के अंदर ही लॉक रहती है। उसके ऊपर से आप कुछ भी लगाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला, और फिर आप सोचेंगे कि इन सब चीज़ों से कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको कुछ भी इससे रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले आपको जो आपकी जो ये नोज पर और जो ये चिन एरिया पे जो ये पोर्स होते हैं जिसके अंदर गंदगी फंसी हुई होती है, आपको पहले सबसे पहले इसको ओपन करना होता है, इसको थोड़ा सा लूज करना होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले अपने फेस पे एक हॉट स्टीम देनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो आप एक कंटेनर में पानी लेके अपने फेस को उस कंटेनर के ऊपर रख के जैसे स्टीम लेते हैं, जो देसी तरीका है स्टीम लेने का, आप उससे ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उससे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है, एक हॉट वाटर लिया है, उसके अंदर मैंने अपना एक हैंकी डिप कर लिया है, देन उसको मैंने अपने पूरे फेस पे टैप टैप करके इसको अच्छे से अप्लाई किया है। इस प्रोसेस को आपको कम से कम 2 से 3 बार करना है। इस प्रोसेस को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, तो आप उसके ऊपर कुछ भी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके जो वो ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाले हैं। आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करो जब तक आप स्टीम नहीं करेंगे, और वैसे भी स्टीम करना फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी जो गंदगी होती है वो सब आपकी रिमूव होती है। तो आप मंथ में 1 से 2 बार स्टीम ज़रूर किया करो अपने फेस पर,
बट यहाँ पे आपको हैंकी लेकर आपको उसको अच्छे से निचोड़ना है, देन अपने फेस में बहुत ही केयरफुली, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो उससे आपका फेस आप बर्न कर ले, आपको बहुत केयरफुली इस प्रोसेस को करना है। तो आप देख ले जितना आपको महसूस हो सकता है टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे आप टॉवल को यूज़ करें, बट थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए हल्का सा कि आपको स्टीम लग रहा है। तो आपको अपने नोज एरिया पे, चिन एरिया पे अच्छे तरीके से आपको उस टॉवल से अच्छे से कवर करना है। देन अब आप लोगों को क्या करना है, जब आपने स्टीम ले ली है, अब आपको जो मास्क बनाना है, तो मास्क बनाने के लिए मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, यहाँ पे मैं आप लोगों को दो ऑप्शन दे रही हूँ, या तो फिर आप जो मार्केट में चारकोल जो पील ऑफ मास्क होता है वो आप यूज कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है डीआईवाई करने का, और जो होम रेमेडीज होती है उसको करने का अगर टाइम नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन दूंगी कि आप जो मार्केट वाले जो पील ऑफ वाले जो मास्क होते हैं, स्पेशली चारकोल वाला, आपको वो यूज करना है, क्योंकि चारकोल वाला जो होता है उससे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स बहुत अच्छे से रिमूव होते हैं, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर आप मार्केट वाला यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे, मैं आप लोगों को घर का भी बता देती हूँ, जो मैंने चारकोल मास्क बनाया है उसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो बहुत ज़्यादा, मैंने ऐसा नहीं लिया है कि वो आप लोगों को मिले ना, बहुत इजीली आप लोगों को मार्केट में या फिर आपके खुद के घर पे ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है एक कंटेनर, और उसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे डालना है राइस फ्लावर, क्योंकि जो चावल का आटा होता है वो आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। और जब आप उस मास्क को हटाएंगे, जब आप उसको क्लीन करेंगे, जब उसको आपको अच्छे तरीके से आपको अपने फेस पे रब करना है, तो वो आपको स्क्रब का काम बहुत अच्छे से करेगा। और जो राइस फ्लावर होता है वो आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छे अच्छे उसके इफेक्ट है। तो आपको यहाँ पे लेना है चावल का आटा, और आप चाहे चावल को घर में पीस ले या फिर जो मार्केट में मिलता है वो ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा कि किस क्वांटिटी में मैं यहाँ पे ले रही हूँ। चावल का आटा आपको यहाँ पे लेना है, देन आपको लेना है यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी, और यहाँ पे लेना है आपको चारकोल पाउडर, और यहाँ पे चारकोल पाउडर आप लोगों को हाफ स्पून ही लेना है, देन आप लोगों को लेना है यहाँ पे हनी। इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है, और यहाँ पे आपको जो उसकी कंसिस्टेंसी है उसको थोड़ा सा लिक्विडी करने के लिए, थोड़ा सा पतला करने के लिए यहाँ पे आपको लोगों को ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा पानी। तो इसको आप इतना, इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि जब आपने फेस पे लगाए तो ऐसे टपक टपक के गिरे नहीं, और आप इतना ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए कि जब आप इसको स्क्रब करें तो बहुत अच्छे से वो आपके फेस पे स्क्रब ना हो। देन आप लोगों को इसको अच्छे से मिक्स करना है, और फिर आप अपने जो स्टीम करा हुआ जो फेस है, आपको जस्ट उसके बाद इस जो फेस मास्क जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसको अप्लाई करना है। ये जो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये क्या क्या वर्क करते हैं, इससे मैं आप लोगों को गारंटी दे रही हूँ कि इससे आप लोगों को रिजल्ट जरूर मिलेगा। जब आप एक बार ही इस चीज को अप्लाई करेंगे तो आपको पहली बार में ही बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेगा। ओके तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे जितने भी चीजें, जितने भी इंग्रेडिएंट में आप लोगों ने यहाँ पे ऐड किए हैं वो क्या क्या वर्क करते हैं। जो सबसे मेन रोल होता है वो होता है चारकोल का, क्योंकि जो चारकोल होता है वो आपके फेस से जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड जो होते हैं उसको बहुत अच्छे से रिमूव करता है। आपके फेस पे जितना भी एक्स्ट्रा सिबम होता है उसको वो रिमूव करता है, आपके फेस को क्लियर बनाता है, क्लीन बनाता है, बहुत अच्छे से आपकी जितनी भी गंदगी होती है उसको बहुत अच्छे से रिमूव करता है। तो चारकोल आप जरूर ऐड करना, अगर आप लोग ये डीआईवाई अगर आप लोग यूज नहीं करना चाहते, इतना टाइम आप लगा, आप इतना टाइम अगर आप लोगों के पास नहीं रहता है, तो आप जो मार्केट में जो चारकोल वाला जो मास्क मिलता है और जो पील ऑफ मास्क मिलता है उसको आप अप्लाई करना, वो भी बहुत अच्छा इफेक्टिव है। बहुत चारकोल मास्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी आप लोगों को मार्केट के अंदर मिल जाएगा, तो आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप घर वाला यूज़ करेंगे तो वो आपको धीरे धीरे रिजल्ट देगा, इतना इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं देगा, बट अगर आप उसको महीने में कम से कम 2 से 3 बार उसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एक बार यूज़ करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही आपको बहुत अच्छा फील होगा, उसको बहुत अच्छा सा आपको दिखेगा कि आपके काफ़ी हद तक आपके जो ब्लैक हेड जो व्हाइट हेड्स हैं वो रिमूव हुए हैं। 100% रिजल्ट एक बार में नहीं देता है, कोई भी आप होम रेमेडीज आप यूज़ कर ले है, और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने आप लोगों को बताए हैं ये आपके फेस को बहुत ही क्लियर करता है, बहुत ही ब्राइट बनाता है, और आपके फेस पे जितने भी स्पॉट है जैसे मुल्तानी मिट्टी आप
कि जो फेस को बहुत ठंडा रखता है, अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसको भी वो रिमूव करता है। और मुल्तानी मिट्टी आप लोगों को पता ही है कितने टाइम से चलता आ रहा है, मुल्तानी मिट्टी के बहुत सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। और इसके अंदर जो हनी ऐड किया है, हनी भी बहुत अच्छा काम करता है इसके अंदर, आपके जो फेस है इसको काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग बनाता है, ब्राइट करता है, आपके फेस को क्लियर बनाता है, और जितनी भी गंदगी होती है उसको भी रिमूव करने में ये हेल्प करता है। इस मास्क को जरूर ट्राई करना, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को किस तरीके से रिजल्ट दिया है इस मास्क ने। तो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, अब सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है ना उसको आप जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।